तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्जन मोबाइल की प्रॉब्लम के बारे में। तो अभी के टाइम में मैं आपको बता देता हूँ कि जो है कोड वर्जन जो है अभी भी फ़ोन में लॉन्च हुई है, ठीक है, जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन मोबाइल। और इसमें गाइस बहुत सारी दिक्कतें मैं देखने को मिल रही है। तो उनमें से एक दिक्कत है कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन मोबाइल ब्लरी ग्राफिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो है गेम खेल रहे हो और गेम में जाके जो ग्राफिक्स देखते हो तो वो एकदम ब्लरी होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर गाइस आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे आज के डे मैं आपको बताने वाला हूँ। चले गाइस बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। सो गाइस हमारे पहले सोल्यूशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो आपका FOV होता है गेम के अंदर, अभी मैं गेम को ओपन नहीं कर सकता क्योंकि जो है मेरे कुछ प्रॉब्लम है गेम के अंदर, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी FOV होती है गेम के अंदर, फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं शायद उसे, तो आपको ये करना उसे कम कर लेना, जिससे जो है आपके जो भी रेंडर वगैरह वो कम होगा, जिससे जो आपकी लैग भी कम होगी, साथ में जो आपके ब्लरी ग्राफिक्स है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने FOV कम कर लिया फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक और काम मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम आपको 10 मैच गेम यहाँ पर खेलने हैं, ठीक है। अगर आप जो है कम से कम भी आपको 10 मैच खेलने हैं, उसके बाद आपके जाके ग्राफिक्स जो है सही होना चालू होंगे, ठीक है। तो कम से कम आप 10 गेम खेलोगे तब उसके बाद जो आपके ग्राफिक्स जो है अच्छे होने चालू हो जाएंगे, ठीक है गाइस। ये काम आप कर लीजिएगा। अगर इससे भी आप काम नहीं बनता तो क्या करिए, कॉल रेडी वर्जन पर लॉन्ग प्रेस करिए, आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, ऐप इन्फो पर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद नीचे क्लियर डेटा यहाँ पर आकर क्लियर कैच कर लेना है। क्लियर कैच करने के बाद अब आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया गाइस। अब यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है वर्जन मोबाइल, वर्जन मोबाइल लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि कोई अपडेट तो नहीं आ रखा है। अगर अपडेट आ रखा है तो अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो क्या करिए, मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाइए, अबाउट फोन पर आइए, डिवाइस स्टोरेज पर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी स्टोरेज को खाली कर लेना है। कम से कम भी 10 से 15 GB आपकी खाली होनी चाहिए, जब आप गेम को रन कर पाओगे। देख सकते हैं मेरे मोबाइल में भी 57 GB स्टोरेज अभी अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी स्टोरेज फुल हो रखी है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको 10 से 15 GB खाली कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगले सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट सॉल्यूशन है। अगर आपके डिवाइस में कोई अपडेट आ रखा है तो अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुझे अपडेट आ रखा है, तो यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। बस गाइस यही इसके सॉल्यूशन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है, लव यू।